अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू महर मोटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, इट्स अ जैपनीज टोयोटा पासो। सो इस वीडियो में आपको इस गाड़ी की तमाम तरह डिटेल्स और इसकी प्राइस भी आगे चल के बताई जाएगी। सो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको इस गाड़ी की तमाम तरह डिटेल्स प्रॉपरली मिल सकें। और इसी के साथ मैं आपको इसके ऑनर की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। टोयोटा पासो ऑटोमेटिक जैपनीज कार है, ये 2020 का मॉडल है, जिसकी इंपोर्ट है 2023 की। फोर ग्रेड की वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है, जिसमें 1000 cc की इंजन कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है। और इसकी अब तक की जो ड्रिवन माइलेज है, दैट इज 65,800 किलोमीटर्स। 65,800 किलोमीटर्स इसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है। फ्रंट साइड की लुक की बात की जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है इसको फ्रंट साइड से, जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और क्रोम की स्ट्रिप इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रही है। हेडलाइट्स आर अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें हैलोजन लैंप्स और टर्निंग इंडिकेटर का फीचर प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट साइड पर 4 पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और फ्रंट साइड पर रेडार और लेन असिस्ट का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड को भी बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें टॉप के सेक्शन में ब्रेक लाइट्स को इंडिकेट करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड का व्यू क्लियर करने के लिए वाइपर की फैसिलिटी अवेलेबल है, और ब्रेक लाइट्स की कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है इन अ वेरी यूनिक शेप। और बैक साइड पे भी 4 पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। फ्रंट दोनों डोर्स कीलेस एंट्री के साथ अवेलेबल हैं। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ इसका तमाम तर रूम बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है, और बहुत ही फाइन कलर कम्बिनेशन प्रोवाइड की गई है इसके तमाम तर इंटीरियर में। ड्राइविंग साइड के डोर में फैसिलिटीज की बात की जाए तो प्रोवाइड की गई हैं पावर विंडोज, विंडोज लॉकिंग अनलॉकिंग फीचर विद रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। रूम में मौजूद ड्राइविंग साइड पे अवेलेबल है एसी की ग्रिल, कप होल्डर, और उसके बॉटम में मौजूद है पुश स्टार्ट बटन की फैसिलिटी। पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स को ऑपरेट करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है। कोलिजन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इको आइडलिंग का फीचर भी अवेलेबल है, और उसी के साथ हेडलाइट्स की बीम को एडजस्ट करने के लिए रोटेटर भी प्रोवाइड किया गया है। स्टेयरिंग की बात की जाए सो इट इज अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें एयर बैग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है फॉर सेफ्टी पर्पस। और इसी के साथ ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द कार। सो दिस इज द स्टार्टअप। 180 किलोमीटर की स्पीड रेंज प्रोवाइड की गई है, और राइट और लेफ्ट साइड पे डिजिटल पैनल अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशन को इजिली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल विच इज इन टच शेप। एंटरटेनिंग पैनल की दोनों साइड्स पे एसी की ग्रिल्स प्रोवाइड की गई हैं, हैजर्ड लाइट्स का बटन अवेलेबल है, और इसके बॉटम में एक पूरा पोर्शन बार शेप में प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप अपने सेलफोन वॉलेट की कीज को कैरी कर सकते हैं। और उसके बॉटम में मौजूद है एसी पैनल, जिसे बटन्स और नॉब्स की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है विद ऑटो ट्रांसमिशन लीवर। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग की फैसिलिटी अवेलेबल है विद एसी ग्रिल एंड अ कप होल्डर, और उसके बॉटम में मौजूद है स्टोरेज बॉक्स। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए सो इट इज वेरी वाइड एंड अनफ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके पैडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूं, एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द ड्राइविंग सीट। एक तीसरा पैडल भी आप देख सकते हैं, जिसे हैंड ब्रेक एंगेज करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट दोनों सीट्स फैब्रिक स्टफ में अवेलेबल है विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और काफी कंफर्टेबल और जबरदस्त कलर कंट्रास्ट के साथ इसका स्टफ प्रोवाइड किया गया है। और इसके मिड में अवेलेबल है आर्म रेस्ट की फैसिलिटी, जिसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके, और इस पैनल को आप मूव भी कर सकते हैं, और फ्रंट सीट्स आपके लिए बिहेव करेंगी लाइक अ सोफा सीट। ड्राइविंग साइड पे मौजूद शेड मिरर की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है, और सेकंड सीटर साइड का शेड भी मिरर की फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड किया गया है, और इन दोनों शेड्स के मिड में अवेलेबल है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन। रूम में मौजूद बैक सीट्स की बात की जाए तो फैब्रिक स्टफ में इसकी सीट्स अवेलेबल हैं विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। ऑब्जर्व करते हैं इसके बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी, एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस विच इज टू मच वाइड, और इसके अंदर लगेज की एक बहुत ही अनफ क्वांटिटी इजिली कैरी की जा सकती है। बट अगर लगेज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना हो तो बैक सीट्स फोल्डेड कंडीशन में अवेलेबल हैं, बिकॉज इसके बूट का एरिया इसके रूम का ही हिस्सा है, इट इज नॉट सेपरेटेड। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन, इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार, सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तरह डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है, दैट इज 43,50,000 रुपीज़, 43,50,000 रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महर मोटर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।